सोम सूर्यान्वयानाञ्च तथान्येषा समुद्भव। सृष्टि का विस्तार आपने सुनाया, इसके अंदर जो चंद्र वंश और सूर्य वंश की कथा है महाराज, वो कुछ कुछ हमको सुना। कैसे कैसे क्या क्या हुआ वो सब विस्तार से बताओ। व्यास जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का उपक्रम शुरू किया तो सबसे पहले 10 पुत्रों को जन्म दिया। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, कर्क, पुलस्त्य और दसवें हुए नारद जी। व्यास जी कहते हैं कि नारद जी को दक्ष का पुत्र बनकर भी आना पड़ा। ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं दक्ष भी, और इनकी वीरणी नाम की धर्मपत्नी है दक्ष महाराज। वीरणी और दक्ष का पुत्र बनकर भी नारद जी को आना पड़ा। बोले कारण क्या रहा ऐसा? बोले 10 पुत्र तो यहां हुए, इसमें से भी नारद जी विरक्त हो गए, और नारद जी इतने विरक्त थे कि स्वयं तो विरक्त थे ही थे, जिससे मिलते थे उसी को विरक्त करते थे। सनकादि ऋषियों से मिले, चारों ऋषि आए सनकादियों से मिले, उनको ऐसा अद्भुत ज्ञान दिया कि उनको भी विरक्त कर दिया। अब सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा, दक्ष प्रजापति और वीरणी के संयोग से 5,000 पुत्र हुए सबसे पहले। अब तुम सोच रहे हो एक जनिया 5,000 ना, आजकल तो ज्यादा से ज्यादा 2, और 2 भी नहीं हो रहे हो, एक कौन हो पहले से जनी हो, पहले से एक घर में 12-12, 13-13 बच्चे हैं, एक छोटी सी कुटिया होती थी, वह सब ब्यू होड़कियों की गुदर लगे हुए हैं, वही पड़े। लेकिन कितना अद्भुत प्रेम था उनमें वास्तव में। कभी कभी ना बड़ा चिंतन आता है। अच्छा मुझे तो खुद जो अब आप थोड़ा आपसे तो मैं अब मिला हूं, लेकिन जो हमारे यहाँ के जो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग क्या अधिकतर लोग ऐसे हैं, तो किस बुबू के जमाने का आदमी है मुझे तो? नहीं? वो अपना कितनी अद्भुत सभ्यता थी वो, कितना प्यार प्रेम था आपस में एक दूसरे। अरे 10 भाई बहन भी होते थे, कितना आनंद से रहते थे। और हमने तो बहनों का सुख बड़ा आनंद से देखा। वास्तव में हमसे बड़ी 4 बहने हुई और हम सबसे छोटे हुए। हमारी माता जी कहती थी कि जब तुम 6 वर्ष के हुए तब तुम जमीन पे चलते थे, उसके उठाए नहीं जाते थे भाई, तो बहनों ने गोद में उठा उठा के। कितना प्रेम था। और पुराने, उनसे भी पुराने जो लोग थे, इतने भाई बहन घर में होने के बाद कितना मिला जुला था। आज तो एक भाई एक बहन उनमें भी कोर्ट कचहरी चल रही थी, बड़ा मुश्किल हो गया संभालना। उस काल में कितना एक दूसरे के प्रति आदर का भाव था, सम्मान का भाव। लेकिन अभी बैठे थे गुरु जी हमारे साथ ऊपर, कह रहे थे कलयुग आ गया। अरे कलयुग तो 5,000 साल पहले आ गया। भगवान श्री कृष्ण यहां से गए तो कलयुग भी आ गया। आपने कथा में पूछा इस युग में अवगुण है तो गुण भी तो है साहब, लेकिन हमने अवगुण ही अवगुण देखने, गुण एक भी नहीं देखे। जितनी कथाएं इस युग में हो रही है, अच्छा आप यहां से लेके गंगोली हाट या उधर, मैं ज्यादा क्षेत्र तो नहीं जानता, आसपास के 10-20 किलोमीटर के एरिया में जाओ, कम से कम 5-7 कथाएं हो रही होगी, और 20 किलोमीटर भी पहले भी कोई कथा हो रही होगी, और 20 किलोमीटर के बाद भी कोई कथा होगी। जितनी कथाएं इस युग में हो रही है, उस काल में इतनी कथाएं नहीं होती थी सर। उस काल में तभी यज्ञ होते थे, तभी कथाएं होती थी जब कोई बड़ा संकट किसी पर आता, तभी वो यज्ञ करते।
और यहाँ तो इतनी कथाएं होने के बाद भी बदलिंदा मैं हूँ का मगो मैं पेट नहीं भरी है उनको ज्यादा दिया लो वो मुनड़ी तौले मैं और चीज उनको के ले दी वो कन्फ्यूजन मेरे मन से जी तो ये यही चीज हमको सिखाना चाह रही है कि समाज कितना ही है। अभी भास्कर जी परसों गा रहे थे भीड़ आदमी की है और आदमी अकेला है। बड़े अद्भुत एक हमको एक याद आ रहा है कि दो पंक्ति गुनगुना के सुनो। बदलते जमाने का कैसा असर है कि घर घर में टूटा हुआ एक घर। इतने अद्भुत एक दो पंक्तियां गाते हैं। बदलते जमाने का कैसा असर है बदलते जमाने का कैसा असर है घर घर में टूटा हुआ एक घर है घर घर में टूटा के घर घर में टूटा हुआ एक घर है घर घर में टूटा हुआ एक घर। और क्या व्यवस्था है इस समाज की देखो अभी अभी जो तुमको नमस्ते कह के गया तुम्हारे पीछे मुड़ते ही उसी ने तुमको गालियां दी जो तुमको अभी कहना था तुमको बहुत अच्छे आदमी हो तुम्हारे जाते ही वो तुम्हारी बुराइयां शुरू कर रहा था। ये सब लबों पे है कुछ और दिल में कुछ है लबों पे है लोगों के कुछ दिल में कुछ है लबों पे है कुछ दिल में कुछ है कुछ दिल में कुछ है मुखौटा पहन घूमता ये शहर है मुखौटा पहन घूमता ये शहर बदलते जमाने का घर घर में तू